हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रसमलाई केक की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले मैंने गैस पे रख लिया है 3 कप दूध, और उसमें मैंने अभी डाला है 1/2 कप मिल्क पाउडर। इन दोनों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। हमें इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को ऑन कर देना है, और उसको हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना रह जाए, यानी कि 1.5 कप ये ना रह जाए, तब तक हमें इसको पकाते रहना है लगातार। तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। हमें इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 20 से 25 मिनट में ये एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इनको डालकर भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इधर हम हमारा केक का बैटर तैयार कर लेते हैं। केक के लिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पर 1 कप मैदा, 1/2 कप पीसी हुई चीनी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर लूँगी 1/3 कप ऑयल और 1/3 कप कर्ड यानी कि दही, और अब हम इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी 1/2 कप रसमलाई जो हमने बनाकर तैयार की है, उसको भी हम डालकर थोड़ा थोड़ा डालकर हमारे बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको लगातार चलाते हुए हमें एक लम्स फ्री पेस्ट तैयार करना है बना करके केक के लिए। तो हमारा ये पेस्ट थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून दूध ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून दूध ले लिया है, उसको भी डालकर मैं धीरे धीरे से अपने बैटर में अच्छे से मिक्स कर दूँगी लगातार चलाते हुए। और यहाँ पर हमारा बैटर अच्छे से रेडी है, आप देख सकते हो बैटर हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने एक केक ट्रे ले लिया है, जिसको कि मैंने ऑयल से ग्रीस करके और मैदा से अच्छे से डस्ट कर लिया है, और अब मैं इसमें अपना बैटर डाल दूँगी केक का। तो फ्रेंड्स, मैंने सारा बैटर डाल दिया है केक टिन में, और मैं इसको अच्छे से टैप कर दूँगी ताकि जो एयर बबल्स वगैरह हों वो निकल जाएँ। और यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम हमारा केक टिन इसमें रख देंगे और इसको 30 से 35 मिनट लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, लगभग 35 मिनट हो गए हैं, और अब हम हमारा केक चेक कर लेते हैं। हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है, अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी केक को। चारों तरफ से इसके जो किनारे हैं वो मैं चाकू से निकाल लूँगी। ऐसे करके केक निकालने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने मेरा केक निकाल लिया है, जो बहुत ही आसानी से निकल गया है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये बेक हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक यहाँ पर हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। अब हम फोक की हेल्प से इसमें इस तरह से छेद कर लेंगे फोक की हेल्प से, ताकि जो हम रसमलाई इसमें डालेंगे वो अच्छे से इसके अंदर चली जाए, और उधर जो रसमलाई हमने बनाकर रखी थी वो अच्छे से ठंडी हो गई है। अब वो हम हमारे केक पर अच्छे से फैला लेंगे, पूरे केक पर अच्छे से डालेंगे, और एक स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से सारे केक पर स्प्रेड कर देंगे हम। तो आप देख सकते हैं हमारा केक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब मैं आपको इस केक को कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक ये बना था हमारा, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था ये केक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिए।
और अपना फीडबैक एक बार मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।